नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक ऑल बेल आइकन ही है, सब्सक्रिप्शन ही है जो एक यूट्यूबर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। हमारा भी हौसला आपके एक सब्सक्रिप्शन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितने सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे, हमारा भी हौसला उतना बुलंद होता जाएगा, आपके लिए अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस ला सकेंगे। इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने फ्रेंड सर्कल्स में सभी में डिजिटली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, आज आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं, जो कि देख सकते हो। आज 7 अप्रैल है और 3:45 हो चुके हैं। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। क्या है जी, डाक विभाग की तरफ से, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जो कि GDS की भर्ती का, जो कि मैंने आपको कहा था भी आज रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो आपको क्लियर कर दें जी, आज रिजल्ट आउट नहीं होगा। सबसे बड़ी अपडेट है, आज रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि वेबसाइट्स वाले भी बहुत कह रहे हैं जी आज रिजल्ट आ जाएगा, बट आज किसी का भी रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने खुद भी कल किया कहा था, और ये वेरीफाई करके ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, विदाउट वेरीफिकेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाते। ठीक है जी, आज कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, ये रिजल्ट आपका आएगा कल शाम को। ठीक है जी, कल शाम तक ये रिजल्ट आने की उम्मीद है, आज कोई भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है जो उसके बाद, ये आपका इंतजार कल शाम तक, आज फिजिकली जाकर भी पता किया है तो वो कह रहे हैं जी आज शाम तक रिजल्ट आ जाए, कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा सेकंड लिस्ट का। ठीक है, अब बात आती है जी 60-70% वाले का क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको क्लियरली बताना चाहते हैं, ताकि आपको पूरे कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है जी, और जो आप पूर्वी एरिया छोड़ दें, दक्षिण और साउथ एरिया छोड़कर, अगर आप नॉर्थ नॉर्थन एरिया पर चलते हैं, तो नॉर्थ जो अपने हिंदी भाषी एरिया है, इसमें सिलेक्शन की बात करें तो मिनिमम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, कितने परसेंटेज पर, 78% पर ये क्राइटेरिया रहने वाला है जी। ठीक है जी, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं जी, मिनिमम 78% पर रहने वाला है ये क्राइटेरिया सिलेक्शन का। ठीक है, और जो कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि कहले और ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में, ये तो सिर्फ नॉर्थ हिंदी भाषी एरिया की बात की है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिंदी भाषी एरिया की बात की है, तो यहाँ पर 78% तक रहने वाली है, बट बाकी कई काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहाँ पर ये कट ऑफ जाकर 99 और 100 तक भी जाने वाली है, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। ठीक है जी, यानी कि 99% वाले भी कैंडिडेट इस बार सिलेक्ट होंगे, क्योंकि कोरोना काल में 100 वाले ही सारे सिलेक्ट नहीं हुए थे, आपकी बार 99 और 100 वाले भी कैंडिडेट के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सिलेक्ट होने वाले हैं, जो कि हमें अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली है आपके साथ, इसलिए शेयर कर रहे हैं। और ज़्यादातर मोस्टली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, 84 से लेकर 94.2% तक वाले कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जिनकी 84% से लेकर 92% तक परसेंटेज है 10th में, वही कैंडिडेट मोस्टली सिलेक्ट होने वाले हैं। और मिनिमम हिंदी भाषी एरियाओं की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ जाएगी 78%, 78। हाँ, जैसे मैंने कहा था पहले भी, आपको वीडियोस चेक कर सकते हो तो चैनल पर मिल जाएंगी, पहले भी मैंने यही बात कही थी भी, आपका 60-70 के नियर अबाउट सिलेक्शन होगा, तो 78 पहले, पिछली बार 85, 90, 98, 95, 90 के अबव ये कट ऑफ गई थी, क्योंकि कोरोना काल था। अब 78 के अबव ही रहेगी। ठीक है जी, और ये टाइम क्यों लग रहा है सेकंड लिस्ट जारी करने में, क्योंकि ये वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कैंडिडेट्स की, ये कम से कम 3 बार क्रॉस वेरीफाई की जा रही है जी। कितनी बार जी, 3 बार ये क्रॉस वेरीफाई करके ये कल शाम तक आपको हैंडओवर कर दी जाएगी, आपको अपडेट दे दी जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगी तो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसलिए गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस वाले भी कह रहे हैं भी, 3 बार वेरीफाई तो किया जा रहा है भी, बार बार जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कैंडिडेट बुलाएं, उनमें से फेक फर्जी निकलें या किसी के डॉक्यूमेंट फेक निकलें, तो इस कारण से कैंडिडेट जो फेक हैं उनको पहले से ही रिमूव
किया जा रहा है। अब जो कैंडिडेट 3 बार वेरीफाई होने के बाद कंफर्म है, वो कंफर्म सीटों पर कंफर्मली रहेंगे, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं की जाएगी, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये सेकंड लिस्ट लास्ट लिस्ट होगी, क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और सिर्फ उन्होंने बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करनी है, कोई छंटा छंटाई नहीं करनी। छंटा छंटाई अब तीन तीन बार कर रहे हैं, तीन तीन चार चार बार कर रहे हैं, तो जाते जाते यही कहेंगे कल शाम तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कल शाम लास्ट है जी, क्योंकि आज की अपडेट आई है, क्योंकि पहले भी इंडिया पोस्ट ऑफिस वाले लाइव आए थे, उन्होंने यही कहा था भी 6 तारीख को, फिर 7-8 तारीख को, अब लास्ट डेट कल की बता दी है भी कल शाम को आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। और मैं यही कहूँ भी 78% जिनके मार्क्स हैं वो ही उम्मीद रखें, मिनिमम यही कट ऑफ रहने वाली है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी सिलेक्शन की बात करें तो 84 से 92 वाले कैंडिडेट ही मोस्टली सिलेक्ट होंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।